अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सबसे हम पहले हमारा आता है परफेक्टली अनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि इलास्टिसिटी नहीं है। ठीक है, अब जब भी हमारी प्राइस जो कि है बढ़ती है, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जो कि प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड में क्या चेंज आया। अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है तो हमारी डिमांड ने क्या रिस्पॉन्स किया, ज्यादा रिस्पॉन्स किया, कम रिस्पॉन्स किया या नहीं किया रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में यही पढ़ते हैं। तो हमारी सबसे पहली डिग्री है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि प्राइस के बढ़ने से या घटने में डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द जीरो इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको हम जीरो इलास्टिसिटी भी कहते हैं क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, कोई इलास्टिसिटी नहीं है तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इफ देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और जीरो इलास्टिसिटी। इन दिस सिचुएशन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, अब इलास्टिसिटी क्या है कि अगर मैं प्राइस को बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरी डिमांड कितनी परसेंट से घटती है, यानी कि अगर समझे मैंने प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाया तो आया मेरी डिमांड जो कि थोड़ा सा घटती है, ज्यादा घटती है या कम घटती है, या मतलब नहीं घटती है। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं घटती है या बराबर घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे चार सिनेरियो हो सकते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो ग्राफ पे आ जाते हैं, ग्राफ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कोई इलास्टिसिटी नहीं है, तो डिमांड की लाइन जो कहे सीधी आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल प्राइस मेरी बढ़ गई, ठीक है, तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड वही की वही रहेगी। प्राइस के बढ़ने से डिमांड को तो गिरना चाहिए, लेकिन अगर डिमांड हमारी इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, तो डिमांड वही की वही रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ये रिस्पॉन्स क्या है, क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो सिंपल मैं आपको एक चीज बता दूं। ठीक है, हम सिंपली यहां पर ये देख रहे हैं कि हमारे प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड ने क्या रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, हमारे डिमांड में अगर रिस्पॉन्स का वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो डिमांड प्राइस के बढ़ने से या कम होने से डिमांड ने क्या रिएक्शन दिया। रिएक्शन का तो वर्ड समझ में आ रहा होगा ना, तो रिस्पॉन्स भी लिख लो या रिएक्शन लिख लो, एक ही चीज है। ठीक है, तो आप अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहो ना, आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पसंद है, तो सिंपल डेफिनेशन ये लिखना, इट इज अ डिग्री टू विच नहीं लिखना है, इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द डिमांड ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स प्राइस। ठीक है, तो आप सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छा करके लिखना है तो आप ये वाली डेफिनेशन ही लिखना। ठीक है, चलिए अब अभी आ जाते हैं इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी पर। अब आ जाता है हमारा इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। ठीक है, ईडी लेस देन वन, इफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। ठीक है, या ईडी लेस देन वन, इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हमारी जो कि है प्राइस में थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी प्राइस अगर बढ़ती है तो हमारी प्राइस, हमारी जो कि डिमांड है कितने परसेंट से रिएक्ट करती है। ठीक है, यानी अगर उसको और सिंपल बनाते हैं, चल इसको और सिंपल वर्ड में बना देते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल इस तरह बनाएंगे, हम कहेंगे कि हमारे जो कि है प्राइस जो कि कितनी परसेंटेज, ठीक है, हम परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं कि कितनी परसेंटेज बढ़ी। ठीक है, इस तरह नहीं कैलकुलेट करते हैं कि 10 रुपये बढ़ गई, 20 रुपये बढ़ गई, नहीं, परसेंटेज से बढ़ गई, 10% बढ़ी, 20% बढ़ी। ठीक है, इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारी जो कि परसेंटेज जो कि चेंज आया, हमारी जो कि प्राइस में चेंज आया परसेंटेज से, उसकी रिएक्शन में या उसके रिस्पॉन्स में हमारी डिमांड में कितनी कमी आई। ठीक है, कितनी परसेंटेज से कमी आई, कितनी परसेंटेज से डिमांड गिरी, या अगर हम कहेंगे कि प्राइस इतने परसेंट से गिरी तो हमारी डिमांड जो कि कितने परसेंट से बढ़ी। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफ लेकर आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ आ गया हमारा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम ये जो कि लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ है, सही है। अब समझे कि हमारी जो कि है प्राइस 50% बढ़ गई। ठीक है, तो 50% प्राइस बढ़ने से हमारी जो कि डिमांड सिर्फ 10% गिरी।
ठीक है, तो हमारे जो कि है इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी का मतलब ये है कि प्राइस में अगर ज्यादा परसेंटेज से चेंज आएगा ना, तो हमारी जो कि डिमांड है कम परसेंटेज से उसको रिस्पॉन्स करेगी। यानी कि प्राइस में ज्यादा अगर चेंज आया, अगर प्राइस बहुत ही मतलब 100 रुपए से समझो एक केला था वो जो कि 50 रुपए का मिलता था, अब वो 100 रुपए का मिलता है, तो उसकी डिमांड में सिर्फ 10% चेंज आया। यानी कि पहले जो कि है 10 लोग खरीदते थे, तो अभी 11 लोग हो गए। मतलब पहले जो कि 10 लोग खरीदते थे, अभी वो 9 लोग हो गए। ठीक है, तो यानी कि हमारी यहाँ पर ये बताता है कि जब भी हमारी जो कि डिमांड है प्राइस से, प्राइस के बहुत ज्यादा बढ़ने से या बहुत ज्यादा घटने से थोड़ा सा रिएक्ट करे, तो हम उसको कहेंगे इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। ठीक है, अब इसको एक और दूसरे लफ्ज में, दूसरी जबान में समझाता हूँ कि अगर प्राइस 50% बढ़ जाए तो हमारी जो कि डिमांड सिर्फ 10% घटेगी। अगर प्राइस 50% घट जाए तो क्या हम जो मतलब हमारी डिमांड जो कि सिर्फ 10% बढ़ेगी। ठीक है, ग्राफ से आप देख ही पा रहे होंगे। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। अब हमारा जा जाता है इलास्टिसिटी इक्वल्स देन यूनिटी। ठीक है, या यूनिटी इलास्टिक कह लो, इक्वल्स टू यूनिटी, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू यूनिटी, टू है, देन नहीं लिखा हुआ, ठीक है, टू लिखा हुआ है, यूनिटी इलास्टिक। ठीक है, इफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज कॉल्ड यूनिटी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब कह रहा है कि हमारी जो कि प्राइस के बढ़ने से ये हमारी कितनी डिमांड घटी, यानी कि वो अगर फर्ज करें हमारी जो कि प्राइस जो कि उन दोनों का जो परसेंटेज है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी प्राइस अगर 10% बढ़ी तो हमारी डिमांड 10% घटेगी, प्राइस जो कि 20% बढ़ी तो हमारी डिमांड जो कि 20% घटेगी, प्राइस 10% गिरी डिमांड कितने परसेंट बढ़ेगी, 10%। ठीक है, यानी कि हमारी जो कि प्राइस और डिमांड का जो कि रेशियो है बढ़ने और घटने का वो इक्वल रहेगा। ठीक है, उसको हम कहेंगे यूनिटी इलास्टिक। ठीक है, यानी कि जो जिस तरह से वो चेंज आ रहा है उसमें उसी तरह की से ही डिमांड हमारा रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ग्राफ को लेकर आते हैं, ग्राफ सबको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे समझिए कि प्राइस जो कि P1 से गिर गई P2 तक और 20% ही प्राइस घटी। ठीक है, गिरी। ठीक है, तो उसी तरह ही हमारी 20% ही डिमांड बढ़ गई। अब फॉर एग्जांपल दूसरा सिनेरियो लेकर आते हैं, प्राइस जो कि बढ़ गई 20% यहां से यहां पे आ गई। ठीक है, प्राइस जो कि यहां पे बढ़ गई। ठीक है, तो हमारे प्राइस के बढ़ने से जो कि क्वांटिटी डिमांड कितने परसेंट गिरी, क्वांटिटी 2 से क्वांटिटी 1 पर आ गई। ठीक है, ये इस तरह हो रहा है। ठीक है, प्राइस 2 पे हमारी जो कि क्वांटिटी 1 है और प्राइस 2 पे हमारी क्वांटिटी 2 है और प्राइस 1 पे हमारी क्वांटिटी 1 है। और तो यानी कि ये इक्वल रेशियो, इक्वल परसेंटेज से, यानी जितनी परसेंटेज इक्वल है दोनों बराबर है। ठीक है, प्राइस भी बराबर उतनी परसेंटेज से बढ़ रही है तो डिमांड भी उतनी परसेंटेज से गिर रही है। ठीक है, चले आगे आ जाते हैं आखिरी। अब आ जाता है इलास्टिसिटी मोर देन यूनिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया तो डिमांड इतनी सारी गिर गई। ठीक है, थोड़ी सी प्राइस गिराई डिमांड इतनी सारी बढ़ गई, तो उसको कहेंगे हम हाईली इलास्टिक डिमांड, जिसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, जिस डिमांड में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसको कहेंगे हाईली इलास्टिसिटी डिमांड, यानी इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1 यूनिटी। ठीक है, इफ द परसेंटेज चेंज इन द यूनिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, द इलास्टिसिटी इज सेड टू बी मोर इलास्टिक और हाईली इलास्टिक। ठीक है, तो ग्राफ को देख लेंगे, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखें ये जो प्राइस है P2 से P1 हो गई, 10% बढ़ गई तो डिमांड जो कि 20% गिर गई, यानी कि थोड़ी प्राइस के बढ़ने से डिमांड में ज्यादा चेंज आए। ठीक है, यानी थोड़े चेंज आने से प्राइस में डिमांड में ज्यादा चेंज आने को हम अपन बोलता है इलास्टिसिटी मोर देन यूनिटी। ठीक है, तो अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, प्राइस जो कि P1 से P2 से गिर गई। ठीक है, यानी 10% प्राइस गिर गई, तो इसका ये रिस्पांस में डिमांड ने क्या रिस्पांस दिया, डिमांड ने भाई ये रिस्पांस दिया कि डिमांड जो कि 20% बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह की इलास्टिसिटी को हम कहेंगे इलास्टिसिटी मोर देन यूनिटी, यानी कि डिमांड के पास जो कि यहां पर ज्यादा इलास्टिसिटी है बनिस्बत प्राइस से। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक खत्म होता है, होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, चले मैं भी चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।